तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी मसाले वाली कलौंजी, या फिर इसको चट्टी भी बोल सकते हैं। जो बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है और बहुत जल्द कर बन कर तैयार भी होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 फोरन तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 2 सूखी मिर्ची, थोड़ा सा अजवाइन, सौंफ, कलौंजी और थोड़ी सी मेथी दाना ले लेंगे। और इसको हम अच्छे से पहले भून लेंगे। इसको भूनने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, और जो 5 फोरन था उसको हम डाल देंगे इस तरह से। इसको चलाते रहना है ताकि जले नहीं। 1 मिनट से भी कम समय लगता है भूनने में। ये डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है कलौंजी का। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होने लगा है, ये कलर चेंज हो गया है, अच्छा से भुना गया। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसको हम पीस का पाउडर बना लेंगे। इधर हम 1/2 kg हम कच्चा आम ले लिए हैं, अच्छा से धोकर मैंने साफ कर लिए हैं। अब इसको हम छील लेंगे कि चाकू की मदद से, इससे इसको हम छील लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बना के जो ट्राई कीजिएगा। रोटी, पूरी या फिर पराठा आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं बना करके। एक कई महीने तक इसको बना कर आप रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। आप देख सकते हैं छील को मैंने तैयार कर छील लिए है। अब इसको हम अच्छे से जाली की मदद से कद्दूकस कर लेंगे। अब एक जाली ले ली है, अब इसको अच्छे से हम कद्दूकस कर लेंगे इसको इस तरह से। अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिए है, और जो गुठली था वो मैं निकाल ली उधर। अगर 1/2 kg कच्चा आम है तो 1/2 kg ही मैंने चीनी ले ली है। अब एक कढ़ाई ले लेना है, इसमें हम जो आम घिस कर रखे थे वो डाल लेंगे, और जो चीनी है वो भी हम डाल लेंगे। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये बनाते समय ना तेल और घी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें ऐसे ही बनकर तैयार हो जाता है बिना घी और बिना तेल का। और इस पकाते समय एकदम मीडियम कम थी आज पे ही पकाना है। आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट ही हुआ है, ये चीनी गलने लगा और जो आम था कच्चा वो पानी भी छोड़ने लगा है। देख सकते हैं एकदम कम थी आँच रखी हूँ, इतना ही आँच पर इसको पकाना भी है। इसको हम थोड़े थोड़े देर में चलाते रहेंगे ताकि आम जो है वो अच्छा से गल जाए और अच्छा से पक भी जाए। अभी तो 5 से 7 मिनट हुआ है, 5 से 7 मिनट ही कम से कम हुआ है, और चीनी देखिए कितना अच्छा गल गया है और जो आम है वो भी पकने लगा है, और पानी कितना अच्छा छोड़ दिए है। ऊपर से हम पानी नहीं डाले हैं, ये आम और चीनी दोनों का ही है। अब जैसे तो थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब जो हम जो मसाला रखे थे 5 फोरन का पिसा हुआ, वह उसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच। थोड़ा सा हरी डालेंगे कलर के लिए, इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है, देखने से बहुत अच्छा लगता है। और स्वाद उसका थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे जो कलौंजी है चटनी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और ये हम थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी सूखी मिर्च का मैंने पहले से भून करके पीस ली थी वो हम डालेंगे 1/2 चम्मच। इसे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, डालना जरूरी होता है। और इसको अच्छे से चलाएँगे 4 से 5 मिनट, हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको हम एकदम कम प्याज पर ही पकाना है, इसे अच्छा मिला लेंगे हम। आप देख सकते कलर कितना अच्छा चेंज होने लगा है इसका, कितना अच्छा कलर दिख रहा है ये, अरे सर कितना अच्छा थिकनेस भी होने लगा है, गाढ़ी भी होने लगा है। ये देखने से कितना अच्छा दिख रहा है, खाने से भी उतना ही टेस्टी होता है। बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। अब ये 5 से 7 मिनट हो गया है, सॉरी 4 से 5 मिनट हो गया ये। अब जैसे कितना थिकनेस हो गया है, गाढ़ा भी हो गया कितना अच्छा से। अब बन कर ये तैयार हो गया, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम एक बाउल में आपको निकाल कर दिखा देती हूँ कितना अच्छा से दिख रहा है, ये कलर कितना अच्छा आया है इसका। अब बन कर तैयार कितना अच्छा दिख रहा है। आप चाहे तो कोई डिब्बा में भी रख सकते हैं, कांच के बोतल में। मैं आपको बाउल में दिखला कर दे रही हूँ कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।